कोरबा के बांकी मोगरा थाने में प्रदेश के पूर्व आईएएस अफसर भाजपा के प्रदेश मंत्री ओपी चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद से छत्तीसगढ़ राजनीति में भूचाल आ गया है। ओपी चौधरी द्वारा कोल माफिया का वीडियो पोस्ट किया गया था, जिसके कई दिनों बाद एफआईआर दर्ज की गई है। ओपी चौधरी के नाम हुए एफआईआर की खबर पूरे प्रदेश में आग की तरह फैल गई। वहीं एफआईआर के विरोध में रायगढ़ जिला भाजपा के आह्वान पर सैकड़ों की संख्या में महिला, यूथ व बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक बहुत बड़ा जंगी प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में धरमजयगढ़ भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी जमकर हुंकार भरी। भाजपा कार्यालय से शुरू हुई यह प्रदर्शन रैली के रूप में सुभाष चौक पहुंची, जहां कार्यकर्ता भूपेश बघेल होश में आओ मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने की कोशिश की तो पुलिस के साथ छीना झपटी भी हुई, लेकिन किसी तरह पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंक ही दिया। बाद में पुलिस के जवानों ने उसे पानी डालकर बुझाया। अर्धशतक के करीब चल रहे तापमान में भी कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद थे। पूरे जिले भर से कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे। वहीं स्थिति को भांपते हुए बड़ी संख्या में पुलिस के जवान सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे थे। धरमजयगढ़ से कुमारी उमा यादव की रिपोर्ट।